बाइक चलाने के लिए जनरली बहुत लोगों को मैंने देखा है स्लीपर यूज़ करते हुए, तो आज मैं अपने तरफ से बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह के शूज़ जो है पहनकर बाइक स्कूटी या फिर नॉर्मल कम्यूटर बाइक चलानी चाहिए। आज की डेट में आप देखिएगा तो ज़्यादातर लोग 150 cc पे शिफ्ट कर रहे हैं और सबके पास सिंगल साइड गियर शिफ्टर होता है। तो सिंगल साइड गियर शिफ्टर के लिए मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था आपको कि इस तरह के शूज़ आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए, क्योंकि जब आप गियर शिफ्ट करते हैं तो इस पे ज़्यादा हमारा भार पड़ता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है वो कपड़े वाले शूज़ पहन के चलाते हुए, तो मुझे लगा कि अगर मैं बाइक का रिव्यू करता हूँ तो मुझे ये भी बताना ज़रूरी है कि आपको क्या पहनना चाहिए उस समय जब भी आप चलाते हैं। तो आप एटलीस्ट ऐसा तो ज़रूर पहनिए जो सेफ़ हो, एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर सेफ़ नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा आपको चलाने में। इवन अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आपकी हाइट कम है और अगर आप कोई ज़्यादा हील वाला, मान लीजिए आप ज़्यादा हील वाला कोई शूज़ पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी हाइट को इंक्रीज़ करता है। साथ ही साथ अगर आगे और विड्थ है तो आप पैर ज़मीन पे जब रखते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। जैसे मेरा हाइट 5.6 है, जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में आपको बोलता हूँ, तो एज अ 5.6 हाइट मेरा जो है उसके साथ जब मैं स्पेशली वुडलैंड के शूज़ पहनता हूँ, इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मुझे आसान हो, मेरे हाइट जो कम है उसको इंक्रीज़ होने में मुझे आसानी हो। तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप कोई भी हैवी बाइक चलाते हैं या फिर पावरफुल सीसी की बाइक चलाते हैं, सिंगल साइड गियर सेटर चलाते हैं, तो आपको फ्रंट मटेरियल हमेशा हैवी रखना चाहिए। जैसे फ्रंट मटेरियल हैवी, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो जैसे कि इसका फ्रंट मटेरियल हैवी नहीं है अगर यहाँ पे देखें हम तो, लेकिन अगर उसी चीज़ में हम इसका फ्रंट मटेरियल देखें तो थोड़ा आपको हैवी मिलेगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपको एज अ ऑफिस यूज़ में शायद अच्छा काम कर जाए। लेकिन अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, लाइक ऑफिस जा रहे हैं तो इस तरह के शूज़ आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो आपको इस तरह के लॉन्ग रूट ट्रिप्स पे जा रहे हैं, आज के डेट में तो लोग करना पसंद ही करते हैं, आप हाईवे राइड कर रहे हैं, ज़्यादा टॉप स्पीड में चला रहे हैं, मज़े के लिए चला रहे हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको हैवी शूज़ ट्राई करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि हमें कपड़े वाले शूज़ भी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हम ये पहनेंगे, तो कपड़े वाइज शूज़ में आपको किस तरह का वैरायटी जो है पसंद आ सकता है उसको दिखाते हैं आपको। आइए इधर, यहाँ पे भी है लेकिन मैं इसका नहीं बताऊँगा, कुछ अलग बताऊँगा आपको। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अब कपड़े वाले में जैसे कि ये कपड़ा वाला हो गया, आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिलेगा। अब इस पर आप अगर गियर शिफ्ट कीजिएगा तो सीधा आपकी उंगलियों पे जो है वज़न आएगा, मान लीजिए आप शिफ्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली उंगलियों पे वज़न आएगा। कपड़े वाले शूज़ में जिसमें इस तरह की प्लास्टिक कोट्स दिए गए रहते हैं, ये इस कपड़े को जो है वो थोड़ा स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड रखती है, थोड़ा टाइट रखती है। अगर ये टाइट रखती है तो जब आप गियर शिफ्ट करते हैं सिंगल साइड गियर शिफ्टर में तो आपको आसानी होती है। अगर दोनों तरफ गियर शिफ्टर हो, अप डाउन जैसा आगे पीछे होता है, तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है डेफिनेटली। और क्या वैरायटीज़ मैं बता सकता हूँ, बेसिकली मुझे ये लगता है कि मैं अपने आपको शूज़ को दिखा के बताता हूँ कुछ। आपका ये जो पर्सन है ये एटलीस्ट इस तरह से कवर होना चाहिए, और ये जो आपका जो शूज़ का पार्ट है ये देखिए, ना जाने कितनी बार इसने गियर शिफ्ट किया होगा लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है। तो आपका जो वो पार्ट है वो सेफ़ होना चाहिए, एक तरह से मैं बोल रहा हूँ आपको कि कभी कभी भी ऐसा ना हो, लेकिन कभी भी अगर आपका पैर में किसी तरह का चोट लगने का संभावना होता है तो उसको वो कम कर देता है बेसिकली। तो इस तरह के शूज़ को तो मैं डेफिनेटली लॉन्ग राइड्स के लिए तो नहीं प्रेफर करता हूँ, लेकिन शॉर्ट राइड्स के लिए, स्कूटी ड्राइविंग के लिए, या फिर जो दोनों तरफ गियर आप अप डाउन करते हैं जैसे स्प्लेंडर में होता है और नॉर्मल पल्सर्स में होता है, उस तरह में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप हैवी बाइक्स चला रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वुडलैंड, रेड चीफ, रेड टेप, इस तरह के शूज़ जो होते हैं, एडवेंचर शूज़ जो होते हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और कुछ मैं वैरायटीज़ दिखा आपको बता देता हूँ, वरना कहिएगा कि सिर्फ तीन ऑप्शंस में मैं कैसे सजेस्ट करूँ। और इसका प्राइस भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने अभी पता किया यहाँ से दुकान से, और तो इसका जैसे कि ये रेड टेप का है, इसका शायद 75% कुछ ऑफ चल रहा है, 8,000-9,000 का ये जूता है, 2,000 में आसपास में आ जाता है। तो अगर आप 1.5-2 लाख की बाइक चला रहे हैं तो 2,000 का 3,000 का जूता तो एटलीस्ट आपको अफोर्ड जरूर करना चाहिए, आपके सेफ्टी के लिए, कि कभी भी आपका पैर ज़मीन पे आए तो आप जो है कंफर्टेबल महसूस कीजिए। इवन ये तीनों ही 2,000 का, ये तो 1,800 का है, तो सोचिए आपको जब इतने मजबूत जूते मिल जाते हैं इस रेंज प्राइस रेंज के आसपास, तो आप क्यों एक स्नीकर टाइप गुची शूज़ जो है आजकल बड़ा लाल पीला हरा जूता पहन के, मैंने देखा है कि लोग बड़े बड़े बाइक्स चलाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं क्योंकि बाइक्स का रिव्यू करता हूँ, आपको ज़्यादातर परफॉर्मेंस बाइक के बारे में ही बताता हूँ, तो मुझे लगा कि
ये चीज़ आपको डेफिनेटली एक बार इस चैनल पे वीडियो बनाना चाहिए। लोग सिर्फ बताते हैं कि अच्छी बाइक है, स्पीड में चलती है, ज़्यादा स्पीड चला सकते हैं, ये वो, लेकिन सेफ्टी भी देखना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टूर जाते हैं तो आपको सारे ग्रिप्स, हैंड ग्रिप्स, सारे चीज़ लेना चाहिए, ग्लोव्स लेना चाहिए, ताकि आप सेफ रह सकें। कभी भी क्या हो सकता है, इवन आप अगर देखेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बाइक नहीं चलाता हूँ, नॉर्मल एफजेड या फिर एक्सट्रीम टाइप का, लेकिन फिर भी हेलमेट आप देख सकते हैं कि एक 5000 का हेलमेट अच्छा मैं रखता हूँ, ताकि कभी भी कुछ भी हो, एक बार गिर भी चुका हूँ तो ये इस हेलमेट ने मुझे खरोच तक नहीं आने दिया। आप नॉर्मल भी ले सकते हैं हेलमेट, ऐसा बात नहीं है, जैसा कि एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये 700-800 का आपको आएगा, लेकिन इस हेलमेट में वो चीज़ नहीं होता है, जैसे आपका जो नोज़ है वो यहाँ तक सड़ जाता है, तो जब भी कुछ इम्पैक्ट आएगा तो आपके फेस पे आ जाएगा। लेकिन इस तरह की हेलमेट्स का आप साइज़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा होता है, तो इस हेलमेट पे अगर फ्रंट से कुछ इम्पैक्ट भी लगता है तो भी आपको कुछ होता नहीं है। इवन ये 4000 की रेंज से शुरू हो जाती है इस तरह की हेलमेट, जो कि ABS मटेरियल की बनी होती है। ABS मटेरियल और प्लास्टिक और फाइबर तीनों अलग चीज़ें होती हैं, तो उस पर डेफिनेटली आपको फोकस करना चाहिए। आपको ये और भी फोकस इस तरह से करना चाहिए कि अगर आप, जैसे ये मेरा ये ओपन है, यहाँ पे दिखाइए, ये मेरा ओपन है, तो इस पर चोट लग सकता है अगर मैं कभी गिरूँ तो, लेकिन अगर इसको मैं पहनता हूँ और मैं डेफिनेटली अगर लॉन्ग रूट्स पे कभी जाऊँगा तो इसको मैं ज़रूर पहनूँगा, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट जो है छिप जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। तो ये सारी जानकारी देने के लिए मैं एक शॉप में आया था, और शॉप ये एक अशोक नगर के आसपास है। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। भैया ने मुझे मतलब एक्सप्लोर करने का मौका दिया ताकि मैं आपको इस तरह का जो वीडियो है बना के बता सकूं। तो अगर आप नियर बाय उठे हैं तो आप ज़रूर आ जाए। अशोक नगर कहाँ पे है दुकान? द्वालिका कॉलेज के पास। क्या नाम है दुकान का सर? एक्सपोर्ट बाज़ार। एक्सपोर्ट बाज़ार, तो एक्सपोर्ट बाज़ार में आप ज़रूर आइएगा। अगर आप नियर अबाउट हैं तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 75% मेरे कस्टमर आएगा हो जाएगा थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, वैसा कर दिया जाएगा जो आपके लिए बेहतर होगा। मेरा सजेशन यही रहेगा, आप भी क्या बोलते हैं, अगर कोई बाइक चलाता है तो उसको क्या कपड़े वाले शूज पहन के चलाना चाहिए? हाँ, एंकल बूट्स ही लेना चाहिए। वही चीज़ मैं भी सोच रहा था, कि मैं भी बोल रहा था कि अगर आप चलाते हैं तो अच्छी हेलमेट, अच्छे बूट्स, एटलीस्ट जो भी आप सेफ्टी के लिए पहन सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, वो सारी चीज़ ज़रूर पहना कीजिए। और यही बोल के मैंने इनसे परमिशन लिया यहाँ वीडियो बनाने का। तो डेफिनेटली अगर कॉन्टैक्ट नंबर आपका दे दें, अगर आप कोई चाहे तो, उसके अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स के हैं सामान सब मेरे पास, टी शर्ट्स में बहुत सारे हैं। अच्छा, बाइक के दरमियान पहन सकते हैं, अब बाइक चलाने के लिए टी शर्ट पहन सकते हैं, तो उन पर भी डिस्काउंट दे दीजिएगा। तो वो चीज़ है कि आपको ये तो मतलब हम लोग रेंडमली मिले थे, लेकिन ये मुझे पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बड़ी बढ़िया चीज़ है। तो हम यही कोर्स कहेंगे आपको कि अगर आप मेरे व्यूअर हैं, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली चैनल को देखते हैं, तो डेफिनेटली हमेशा कोई ऐसा चीज़ पहन कर चलिए, सेफ होके चलिए। डेफिनेटली ये कहेंगे लिमिटेड स्पीड में चलिए, भले ही आपके पास कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक हो, लेकिन इंडिया की रोड्स 80 से ज़्यादा जाने के लिए परमिशन नहीं देती है, इंडियन रोड्स, जैसा कि सब कोई जानते हैं। तो यही थी हमारी वीडियो अजय जी और मेरी तरफ से, आप सभी को बाय। और कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दे रहा हूँ आपका, तो जो लोग चाहेंगे आप डेफिनेटली उनको हेल्प जरूर कर दीजिएगा। पटना एरिया कंकड़बाग में। ओके, बाय।